वेलकम टू ऑलवेज इन टेक इन हिंदी, इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आपका वेट बढ़ रहा है, वेल आज का जो प्रोडक्ट है वो इसी बारे में है, दैट इज एक्टिव एक्स वेइंग स्केल। तो जैसे स्कूल में आपकी टीचर आपको डांटती है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना तो आपको ही है, लेकिन टीचर का काम है आपको बताना कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। और यही काम होता है एक वेइंग स्केल का, दैट इज वो आपको बताता है कि भैया आपकी वेट बढ़ रही है, अब तो कुछ करो। तो एक्सरसाइज तो आपको ही करनी है, लेकिन इस पर्टिकुलर टीचर, दैट इज इस पर्टिकुलर वेइंग स्केल की अहमियत बहुत है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आपका वेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो जो वेट बढ़ रहा है वो मसल के वजह से बढ़ रहा है कि फैट के वजह से बढ़ रहा है, और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आप उस राइट टाइप की एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इस वेइंग स्केल को हम रिव्यू करेंगे और हम तीन चीजें देखेंगे। नंबर वन है वेइंग स्केल, नंबर टू जो ऐप इसके साथ आता है उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, एंड नंबर थ्री इस वेइंग स्केल में प्रॉब्लम क्या है। तो एंड तक टिके रहना ये पता करने के लिए इस डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसके पहले, मेरा नाम है अमित तिवारी, मैं इस चैनल में आपके टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं। इतना ही नहीं, कोई भी आप गैजेट खरीदना चाह रहे हो तो इस गैजेट के बाइंग डिसीजन को आप लोग के लिए और भी आसान बनाता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें उन सबके साथ जिनका वेट बढ़ते जा रहा है घर बैठे बैठे। एंड हर वीडियो के एंड में मैं एक ऐसे कमेंट को शाउट आउट देता हूं जो आप लोगों ने मेरे चैनल पे दिया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन सा कमेंट फीचर हो रहा है वो देखने के लिए वीडियो एंड तक देखना। अब वेट तो आपको कोई भी वेइंग मशीन दिखा देगा, लेकिन इस पर्टिकुलर वेइंग मशीन का मेन फीचर है इसका ऐप और इसका बॉडी फैट परसेंटेज जो इसमें दिखाता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका वेट अगर बढ़ रहा है तो वो फैट के वजह से ही बढ़ रहा है, वो बहुत सारे रीजंस के वजह से हो सकता है, वो वाटर वेट हो सकता है, वो मसल वेट हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स वो बॉडी फैट के वजह से भी हो सकता है। और ये डिफरेंशिएशन आपको ये वेइंग स्केल देता है। और आप शॉक हो जाओगे कि ये वेइंग मशीन इतनी सारी चीजें चेक करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते इस वेइंग स्केल की। तो ये वेइंग स्केल एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी का है, इसकी आप डिजाइन देखोगे तो बहुत ही स्लीक है, और इतनी स्लीक कि आप इसको बैग में पैक करके अपने साथ भी लेके जा सकते हो। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3 kg से लेके 180 kg। तो अगर आपकी वेट 180 kg से ज्यादा है तो ये वेइंग स्केल आपके लिए नहीं है। अब इस वेइंग स्केल में आपको ITO इलेक्ट्रोड्स दिखेंगे, इसके सिवाय आपको इसमें टफन ग्लास मिलेगा, 32-bit प्रोसेसर आता है इसके अंदर, एंड अबव ऑल आपको एक LED डिस्प्ले मिलता है, और इसके जो सेंसर्स है वो इसके नीचे के साइड आते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है इसका मेन यूज क्या है, तो ये इलेक्ट्रोड्स ये करते हैं कि एक लो लेवल इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं आपकी बॉडी के थ्रू, जिससे इसको पता चलता है कि आपकी बॉडी में फैट कितना है। तो आपके बॉडी में टिश्यूज होते हैं और इन टिश्यूज में अधिकतर मात्रा में होता है फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सच एज ब्लड विच हैव हाई कंडक्टिविटी, लेकिन फैट एंड बोन जो होता है वो इस सिग्नल को स्लो डाउन कर देता है। तो जब आपकी बॉडी में करंट पास हो रहा होता है, अगर वो करंट स्लोली पास हो रहा है तो उसका मतलब अधिकतर ये फैट या बोन्स है आपकी बॉडी में। तो इस एनालिसिस को कहते हैं बायो इलेक्ट्रिक इम्पेडेंस एनालिसिस। तो इसी एनालिसिस के बेसिस पे ये मशीन एक नहीं दो नहीं लेकिन 13 बॉडी कंपोजिशन मैट्रिक्स मेजर करती है। तो इन 13 बॉडी कंपोजिशन मैट्रिक्स को अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक ब्लूटूथ और एक स्मार्टफोन। तो जैसे आप मशीन पे वेट लेना खत्म करते हो तो ये सारी एनालिसिस आपके ऐप में आ जाती है। तो ये देख लेते क्या क्या ये पर्टिकुलर ऐप मेजर करता है। तो नंबर वन ऑफकोर्स आपका वेट तो ये मेजर कर ही लेता है, लेकिन उसके साथ आपका BMI भी बताता है। और जैसे आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि लो BMI कितना बोलते हैं, स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं और हाई किसको बोलते हैं। इसके सिवा आपका बॉडी फैट, दैट इज कितना परसेंटेज बॉडी फैट है आपकी बॉडी में। अब यहाँ पे अगर ये फिगर ग्रीन में दिख रहा है उसका मतलब ये एक्सेप्टेबल लेवल्स में है, अगर येलो है तो इसका मतलब ये हाई है। नेक्स्ट है फैट फ्री बॉडी वेट यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद सबकटेनस फैट। सबकटेनस फैट वो फैट होता है जो आपके स्किन के ठीक नीचे होता है, तो वैसे ये फैट इतना हार्मफुल नहीं होता है, इनफैक्ट कितनी सारी डिजीजेस से भी ये हेल्प करता है आपको। जो हार्मफुल होता है वो है विस्केरल फैट। तो विस्केरल फैट वो फैट होता है जो आपके ऑर्गन्स के आगे पीछे होता है, तो उसका मतलब आप डेंजरस लेवल पे आ चुके हो। अब जैसे कि आप जानते हो कि बॉडी में वाटर परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, स्केलेटल मसल यहाँ पे दिखेगा, मसल मास दिखाता है, बोन मास भी दिखा लेता है, ये प्रोटीन परसेंटेज दिखाता है आपके बॉडी में कितना है, BMR दिखाता है। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब अगर पूरा दिन आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी इतनी कैलोरीज तो आपकी बर्न होने ही वाली है। एंड लास्ट है मेटाबॉलिक एज, दैट इज आपकी बॉडी के एनालिसिस के बेसिस पे आपकी एज कितनी दिख रही है। अब एक क्लैरिटी मैं आपको दे दूं कि वेट तो आपको ऑफ कोर्स 100% सही ही दिखाता है, लेकिन BMI है, बॉडी फैट परसेंटेज है, ये अप्रोक्सीमेट होता है, ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि बायो इलेक्ट्रिक इम्पेडेंस एनालिसिस 100% रिलायबल नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी फैट परसेंटेज, मेरा एक्चुअल बॉडी फैट परसेंटेज काफी कम है लेकिन इस ऐप में काफी हाई दिखा रहा है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप बात करो तो आपको इन बॉडी कंपोजिशंस पे इतना रिलाय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप रिलेटिव टर्म्स में इसको कंपेयर करते हो, दैट इज कल आपका बॉडी फैट परसेंटेज इस ऐप में कितना दिखा रहा था और आज कितना दिख रहा है, तो उस अगर कंपैरिजन को आप देखोगे तो वो आपको ये सही दिखाएगा। तो हमेशा जब भी आप इस एनालिसिस को देखो तो आप रिलेटिव
टर्म्स में ही देखो, ना कि एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो कंपैरेटिव टर्म्स में आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो बॉडी फैट है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वेदर वो बढ़ रहा है या वेदर वो घट रहा है। और यही चेक करने के लिए आपको आना है आपके ट्रैकिंग में। तो ट्रैकिंग में आप देख सकोगे कि आपका वेट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप बॉडी फैट की बात करो तो वो भी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। और वो सिर्फ वीकली नहीं, आप मंथली और ईयरली भी देख सकते हो। तो जैसे आप ईयरली देख सकते हो काफी डिप हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की वजह थोड़ा सा इंक्रीज हुआ मेरा बॉडी फैट। एंड लास्टली यहाँ पे जो आपको क्लॉक आइकन दिख रहा है उस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप मंथ वाइज और डे वाइज भी देख सकते हो अपना सारा एनालिसिस यहाँ पे। और इस ऐप में आप मल्टीपल यूजर्स को भी ऐड कर सकते हो, तो अगर आपके फैमिली में एक से ज्यादा यूजर्स है तो उनके लिए अलग से वेइंग स्केल खरीदने कोई जरूरत नहीं है, इसे में आपको एक यूजर एडिशनल क्रिएट कर देना है, दैट्स ऑल। और इस ऐप में जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है ये वो ऑटोमेटिकली शेयर करता है फिटबिट के साथ भी और एप्पल हेल्थ के साथ भी। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स जानने की एप्पल हेल्थ और क्या क्या कर सकता है तो ऊपर मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, उस आई बटन पे क्लिक करके आप एप्पल हेल्थ का ऐप भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऊपर एक प्लस बटन मिलता है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको शेयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है। दैट इज ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप अपने ट्रेनर के साथ या अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ शेयर कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। तो डेटा एज वेल आप कंपेरिजन भी आप उसको शेयर कर सकते हो अपने ट्रेनर्स के साथ। तो आई थिंक ये बहुत ही नीट एंड क्लीन फंक्शन दिया है एक्टिव एक्स वालों ने। अब बात कर लेते इसकी प्राइस की। तो अगर ये प्रोडक्ट आप परचेज करना चाह रहे हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, जिसपे क्लिक करके आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस मशीन में एक प्रॉब्लम जरूर है, अगर आप वेइंग मशीन पे वेट ले रहे हो तो वो वेट आपके ऐप में ट्रांसफर तभी होती है जब ऐप और आपका वेइंग मशीन दोनों चालू होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स ब्लूटूथ रेंज में तो होने ही चाहिए। लेकिन अगर आपका ऐप बंद है तो वो वेट इस ऐप में ट्रांसफर ही नहीं होती। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम, इतना मेजर इशू नहीं है, एंड ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मशीन काफी अच्छी है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए, शाउट आउट टू द कमेंट विनर। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट फीचर होना चाहिए अगले एपिसोड में तो बढ़िया सा कुछ लिख दो और मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसका शाउट आउट दूंगा। एंड स्वस्थ रहे, खुश रहे, देखते रहे ओलॉजी एंड टेक इन इंडिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।